थ्री फेस इंडक्शन मोटर का रोटेशन डायरेक्शन चेंज करने के लिए दो फेस इंटरचेंज करने से आपका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, ये तो सबका पता है। लेकिन दो फेस इंटरचेंज करने से अंदर में क्या होता है कि कैसे रोटेशन चेंज होता है, वही इस वीडियो में देखने वाला है। मोटर स्टार्टर में थ्री फेस देने से उसमें आर्म ऑफ क्रिएट होता है। आर्म ऑफ मीन्स रोटेटिंग मैग्नेट। ये रोटेटिंग मैग्नेट फ्लक्स कैसे क्रिएट होता है, ये थ्री फेस साइन वे का इमेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेड फेस देखिएगा, इस पॉइंट में जीरो वोल्ट है, ठीक है। प्लस 100, 200, 400 प्लस फिर डाउन होता है, 200, 100 प्लस जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव में जाने से क्या -100, -200, -400, ठीक है। वैसे टाइम टू टाइम वोल्टेज वेरी होता रहे, कॉन्स्टेंट वोल्टेज नहीं रहता है, ठीक है। वैसे येलो फेस और ब्लू फेस में भी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जब रेड फेस आपका पीक में रहता है उस टाइम में आपका ब्लू फेस और येलो फेस आपका नेगेटिव में रह रहा है, ठीक है, वो भी कम वोल्टेज में रहता है। सो एक टाइम पे तीनों फेस का वोल्टेज सेम नहीं रहता, वेरी होते रहेगा, ठीक है। एक वोल्टेज पीक रहेगा, एक वोल्टेज डाउन रहेगा, एक वोल्टेज नेगेटिव में रहेगा, वैसे चेंज होते रहता है, ठीक है। और इस वेरिएशन आपको एक सेकंड पे 50 टाइम्स चेंज होता है, ठीक है। उतना फास्ट चेंज होने से क्या है, आप अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज दिखाता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो वोल्टेज वेरिएशन होता है। इस थ्री फेस को मैंने स्टेटर में दे रहा हूँ। स्टेटर में देने से क्या है, जिस फेस का वोल्टेज ज़्यादा है उस फेस का कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा रहता है, ठीक है। बाकी सब आपका वोल्टेज कम रहने से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स कम रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, दूसरा कॉइल का वोल्टेज ज़्यादा होने से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखा होगा फंक्शन में जो डेकोरेटिंग करता है ना, रोटेटिंग LED रोटेटिंग लाइट टाइप का, उसमें क्या आपका देखने से क्या लगता है, लाइट रोटेट हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली लाइट रोटेट नहीं होता है, वो ऑन ऑफ होता है, ठीक है। ऑन ऑफ होने से क्या वो लाइट रोटेटिंग टाइप लगता है, ठीक है। वैसे इसमें भी है, जैसे थ्री फेस सप्लाई आपका जो वोल्टेज वेरिएशन होता है टाइम टू टाइम, वैसे आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम बेसी होता है, ठीक है, चेंज होते रहता है। सो ऐसे करके आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। रोटर का कंस्ट्रक्शन है, आपका जो स्लैट के बीच बीच में कॉपर बार रहेगा, वो कॉपर बार को एंड टू एंड आपका पूरा एक तो अल्यूमिनियम रिंग से शॉर्ट क्या होगा, ठीक है। ये रोटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रखने से क्या होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कट के फैराडेस लॉ के हिसाब से इसमें एक EMF क्रिएट होता है, ठीक है। वो EMF से क्या इसमें एक तो करंट फ्लो होगा, वो करंट फ्लो की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स आप जो स्टेटर से क्रिएट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, ठीक है। सो अपोज करने से क्या है, वो आपको जो रोटर को टेलता है, कोई भी कॉइल में वोल्टेज देने से वो मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। इसमें देखिए नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल मैग्नेट है, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है। इसको मैं एकदम नस्टिंग में ले जाएंगे तो क्या होता है, ये अपोज करके घूमता है, ठीक है, रोटेट होता है। यही प्रिंसिपल है, जैसे रोटेट हो रहा है वैसे वो रोटेट होता है, ठीक है। यही होता है आपका इंडक्शन मोटर में भी। फॉर एग्जाम्पल इसमें नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट, क्योंकि वाइंडिंग का डायरेक्शन चेंज, पोल टू पोल चेंज होता है, ठीक है। इसलिए पोल भी चेंज होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल करके आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है आपका आर फेस पीक रहता है यहाँ पे वोल्टेज, सो ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। सो रोटर में भी सेम नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, तो उसको नॉर्थ पोल अपोज करके वो इधर टेलता है, ठीक है। उसके बाद फेस सीक्वेंस क्या है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, ये सीक्वेंस है, ठीक है। सो रेड फेस के बाद येलो फेस का जो वोल्टेज पीक जाता है, तो उसमें आपका जो पोल क्रिएट होता है वो फिर वो टेलेगा, वैसे करके आर वाई बी करके रोटर घूमते रहता है, ठीक है। अभी रिवर्स कैसे होता है, ये अल्टरनेट से जो प्रोड्यूस होता है सप्लाई वो आर वाई बी सीक्वेंस ही रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आर वाई बी सीक्वेंस, ए सीक्वेंस आपको वोल्टेज का ज़्यादा कम बेसी होता रहता है, ठीक है। तभी क्या मैंने यहाँ पे इंटरचेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रेड और येलो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे रेड फेस हाई वोल्टेज में रहेगा तो नेक्स्ट इधर क्या है, ब्लू फेस आ रहा है, ठीक है। तो रेड येलो फेस उधर है, सो रेड फेस के बाद सीक्वेंस क्या है, येलो फेस, तो रेड फेस के बाद येलो फेस यहाँ पे, तो इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा रेड फेस के बाद, ब्लू नहीं होगा, ठीक है। सो इधर घूमता है रोटर, तो इधर इधर खींच के फिर रेड येलो ब्लू वैसे चेंज होता है, ठीक, डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने रेड ब्लू चेंज कर रहा हूँ, पहले रेड येलो चेंज करने से इस डायरेक्शन घूम रहा था रोटर, अभी क्या है रेड ब्लू चेंज करने से क्या यहाँ पे देखेगा रेड ब्लू यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद डायरेक्शन कहाँ पे, रेड येलो यहाँ पे है, तो इसी डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, उल्टा रिवर्स कर रहा है। फेस सीक्वेंस मतलब आपका आर वाई बी यही रहेगा, क्योंकि आपका जो पावर पावर स्टेशन से जो पावर आ रहा है वो आर वाई बी सीक्वेंस ही आता है, ठीक है। सो इसलिए हम इंटरचेंज करने से आपको पोल टू पोल जो चेंज हो रहा है उसके वजह से ये रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है।